कैसे तुमने ये अपने पराए का भेद किया पहले से ठीक से है तुम्हें अब इसी आधार पर अगर जीना है कि अधिकांश विश्व तुम्हारे लिए पराया ही है और दो ही चार लोग तुम्हारे अपने हैं तो तुम्हारा खेल तो वहीं खत्म हो गया आज तुम्हारा चेहरा देखा है मैं जन्म से तुम्हारे पास था तो फिर अपने पराये से संबंधित प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम तो अपना मानते ही सिर्फ उसके हो जिसका तुमसे जन्म का और देह का रिश्ता हो मेरा ना तुमसे जन्म का रिश्ता है ना देह का रिश्ता है मैं तुम्हारा अपना कैसे हो गया तो और अभी प्रश्न तो तुमने करा ना कि अपनों को पीड़ा होती है अगर मैं सच्चाई पे चलूं अभी उन्होंने आकर के अपने पराये की बात करी या तुमने करीड़ा उन्हें पीड़ा हो रही है इससे तुम्हें पीड़ा हो रही है ना दुनिया में इतने लोग हैं उन्हें पीड़ा हो रही है उससे तुम्हें पीड़ा हो रही है वो अरे बाबा तुम्हारी ही वजह से दुनिया में बहुत लोगों को पीड़ा हो रही है जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है पर इस वक्त स्थिति यह है धरती पर कि तुम्हारा होना ही अपने आप में हिंसा है तुम्हारे होने से तुम बिजली का उपभोग करते हो तुम डीजल पेट्रोल का उपयोग करते हो तुम लोहे का उपयोग करते हो और इसकी वजह से न जाने कितनी हिंसा हो रही है उन सबको पीड़ा होती है पूरी दुनिया को पीड़ा होती है इसका तुम्हें अफसोस होता है क्या तुम्हें दो ही चार लोगों की पीड़ा से अफसोस क्यों होता है क्योंकि उनसे तुम्हारा शरीर का नाता है। अगर तुम्हें उन्हीं से नाता बनाना है जिनसे तुम्हारा शरीर का नाता है तो मुझसे क्यों बात कर रहे हो बोलो, बोलो बोलो मुझे लगता है कि मेरी वजह से मुद्दे पर जाओ तुम्हारी वजह से बहुतों को तकलीफ होती है तुम्हें इस बात से कष्ट क्यों नहीं है वो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। जानकारी लेना क्यों नहीं चाहते वो जानकारी क्यों छुपाए रखना चाहते हो वो सामने में नहीं है वो सामने है अगर सामने ना होती तो इतने लोगों को कैसे पता होता बिजली से कर... कैसे परेशानी होती वो पता कर लो बहुत लोग हैं जो भली भांति जानते हैं कि हर किलोवॉट के तुम्हारे प्रयोग से कितने जानवर खत्म हो रहे हैं सर, तो, 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 न, तो उनको पीड़ा होगी ही क्या फर्क पड़ता है फिर जैसे यहां कहते हैं तो उपयोग तो करेंगे ही वैसे ही वहां भी कह दो आपको पीड़ा होगी मुझे क्या फर्क पड़ता है मूल बात पर आओ तुम्हें अपनी देह से बड़ा तादाद में है इसीलिए जो लोग तुमसे देह के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको लेकर के सतर्क रहते हो यह पहली बात दूसरी बात देह के रस्ते भी जिनसे संबंधित हो उनमें भी जो लोग तुम्हारे स्वार्थों पर आघात कर सकते हैं उनको लेकर के दूने सतर्क रहते हो जिसको पीड़ा दी तुमने और वो पलट के तुम्हें दूनी पीड़ा पहुंचा देगा उसको पीड़ा देने से तो बहुत ही घबराते हो तो ये जो हमारी तथाकथित करुणा होती है ये वास्तव में दो चीजों का मिश्रण होती है और दोनों विशाली चीजें पहली देहभाव और दूसरी स्वार्थ हर आदमी करुणावान है हर आदमी को प्रेम छल छला रहा है पर सिर्फ किसके प्रति जिनसे जिस्म का नाता है कवि हुए हैं धूमिल उनकी पंक्तियां थी पच्चीस साल पहले पढ़ी थी भूलती नहीं है कहते थे जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही हो और साथ ही साथ किसी मेमने का सर चबा रही हो ममता तो तुम्हें बहुत है पर सिर्फ इससे जिससे तुम्हारा देह का नाता है अपने छौने को तो दूध पिला रही हो और साथ ही साथ किसी मेमने का सर चबा रही हो हमारी करुणा और प्रेम दो झूठे सिद्धांतों पर खड़े हैं पहला देह भाव और दूसरा स्वार्थ, स्वार्थ। दस बारह साल पहले एक लड़का था छात्र था तब वो उससे किसी कॉलेज के सेमिनार में मुलाकात हुई तो उसने बहुत पीड़ा के साथ बहुत जोर दे के सवाल पूछा कि मैं कुछ करना चाहता हूं अपनी पढ़ाई के बाद अपनी इंजीनियरिंग के बाद पर मेरे पिताजी मुझे करने नहीं देते मैं क्या करूं मैंने उसे कुछ उत्तर दिया होगा एक बात मुझे उस संवाद में साफ साफ याद है कि वो लड़का बार बार ये कहे कि नहीं पिताजी की राय महत्वपूर्ण है मैं उनको दुख नहीं देना चाहता मैं उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता बड़ा पितृभक्त था बड़ा प्रेम था उसमें ऐसा लगे पिता के प्रति वो लड़का मुझे दोबारा मिला दस बारह वर्ष के बाद स्थितियां बदल चुकी थी पिताजी रिटायर हो चुके थे रिटायर ही नहीं हो चुके थे उन्हें दिल के दो दौरे आ चुके थे अब वो लगातार बिस्तर पर ही पड़े रहते थे और ये लड़का ये दस वर्ष से किसी बड़ी कंपनी में लगा हुआ था अच्छा कमा रहा था शादी कर चुका था समाज में एक सशक्त जगह पर पहुंच चुका था जब मेरी इसे दोबारा मुलाकात हुई तब ये एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जा रहा था मैंने चुटकी ली मैंने कहा अब जब तुम एक कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनी में जा रहे हो तो पिताजी की सहमति ली है बोला पिताजी इन मामलों में पिताजी का क्या हस्तक्षेप उनका क्या लेना देना है मैंने कहा नहीं एक बार पूछ तो लो कि कंपनी बदल रहा हूं आपकी अनुमति है या कम से कम सहमति है पिताजी से कौन पूछता है ये सारी बातें मैं मुस्कुराया मैंने कहा बारह वर्ष पहले तू ही था जो मुझसे कह रहा था कि पिता से इतना प्रेम है मुझे कि पिता मुझे जिस दिशा में कहेंगे करियर बनाने को मैं उसी दिशा जाऊंगा और आज तू कह रहा है कि पिता से कौन पूछता है ये सारी बातें ये तो मैं तय करूंगा मैं जानकार हूं मेरा हिसाब किताब मेरी जिंदगी तो ऐसा नहीं है कि पिता के प्रति तेरा प्रेम कम हो गया है वास्तविक बात यह है कि पिता से प्रेम कभी था ही नहीं उस समय तू आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से पिता पर आश्रित था तो तेरे लिए जरूरी था कि पिता की आज्ञा का पालन करे वो प्रेम नहीं था मजबूरी थी आज पिता कमजोर हो चुके हैं हर तरीके से कमजोर हो चुके हैं तो वही पिता जिनके नाम की तू दुहाई देता था जिनको तू प्रातः स्मरणीय बताता था आज उन पिता की कोई हैसियत नहीं तेरी नजर में ऐसा नहीं कि हैसियत कम हो गई है हैसियत कभी थी ही नहीं रिश्ता स्वार्थ का था ये दूसरा सिद्धांत है जिस पर हम अपनों से जुड़े होते हैं पहली बात तो यह कि जुड़ोगे उन्हीं से परवाह उन्हीं की करोगे जिनसे नाता जिस्म का हो और दूसरी बात यह कि उनकी भी परवाह सिर्फ तब तक करोगे जब तक तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता है यह आम जिंदगी का चलन है इस चलन को जो तोड़ सके वो मुक्त है